नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। मऊ में रेल की पटरी काटने वाला शातिर सिरफिरा आशिक गिरफ्तार। कब्जे से विभिन्न प्रकार के गैस सिलेंडर, गैस कटर मशीन सहित विभिन्न उपकरण बरामद। गिरफ्तार सिरफिरा चंदन कुमार बलिया जनपद के नगरा थाने के मल्फ हरसेनपुर गांव निवासी। मऊ में हलधरपुर थाने के धर्मागतपुर रेलवे पटरी काटने का मामला पुलिस अधीक्षक मऊ अनुराग आर्य के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में स्वॉट टीम व थाना हलधरपुर पुलिस को मिली सफलता। अभियुक्त चंदन अपने गांव की लड़की से करीब 6 वर्ष से प्रेम करता था। 24 दिसंबर 2019 को उक्त लड़की गांव के लड़के अंशु गौड़ उर्फ राजा पुत्र गंगाराम के साथ चली गई। लड़की को वापस हासिल करने तथा उस लड़के को पकड़वाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र रचकर आतंक फैलाने के उद्देश्य से रेलवे पटरी काटने की योजना बनाई। मऊ से HN आजमी के साथ अंजनी राय की रिपोर्ट। नाम बता दो अपना। मैं चंदन कुमार हूँ। हाँ, कैसे, क्या घटना की थी? रेलवे पटरी काट दिया था, क्यों, क्या था? देखिए, रेलवे पटरी काटने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। जो मेरी सब कुछ है, जिसे हम अपना सब कुछ मानते थे, जिससे प्यार करते थे, उसके जाने के बाद मुझे इतना सदमा लगा। मैं इतना अपने आप को आउट ऑफ कंट्रोल महसूस किया कि मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया। मैं बहुत कोशिश किया, खोजने की बहुत कोशिश किया, नहीं पता चला। तो मेरे दिमाग में ये बात आया कि कुछ ऐसा किया जाए जिसकी वजह से पुलिस की एक्टिविटी बढ़े और उसकी, मतलब इस मामले में तहकीकात शुरू हो, तो उसका भी पता चले, तो हमको कंफर्म हो जाए कि हाँ यहाँ है। क्योंकि मुख्य बात है कि शायद हम उसके बिना जी नहीं पाएंगे। फिर पटरी काटने का कैसे प्लान है? पटरी काटने का प्लान इसी वजह से दिमाग में आया कि एक अच्छा खासा, जब सरकारी छेड़छाड़ की जाएगी तो अच्छे खासे तरह से सरकार का ध्यान भी उस पर जाएगा। एक लड़की के लिए अपने हजारों लोगों की सर जान हमने लेने की के इरादे से ये नहीं किया, क्योंकि काटने के बाद मैं खुद उस ट्रैक पे मऊ से रसड़ा गया, फिर रसड़ा से तुरंत मऊ आया, सिर्फ ये देखने के लिए कि वास्तव में हमने ऐसा तो गुनाह नहीं कर दिया कि जिसकी वजह से तबाही मच जाए। तो मेरा कोई ये उद्देश्य नहीं था कि मैं लोगों की जान लूँ, आखिर मुझे मिलेगा क्या। तो सिर्फ उस लड़की को पाने के लिए ऐसा किए? सिर्फ उसको जानने के लिए कि कहाँ है, किस हाल में है, कैसे है। क्या उसकी शादी हो गई थी या फिर किसी साथ चली गई थी? हमारी पत्नी थी। अच्छा, पत्नी थी। पता चल गया? क्या पता चल गया, कहाँ है वो? कल तो बलिया SP साहब बता रहे थे कि दिल्ली हैं, आ रहे हैं लोग। तो क्या मतलब, छोड़ के चली गई थी क्या तुमको? मैंने उसको थोड़ा गुस्से में उल्टा सीधा बोल दिया था, तो भाग गई थी। तो भागी नहीं है, ऐसा नहीं है कि इतना करीब थे, जितना करीब थे हम लोग उसी की आज देना है कि मैं जाने अनजाने में या जैसे भी यहाँ तक पहुँचा हूँ, नहीं तो शायद कोई इस कंडीशन में नहीं होता बेवजह। तो कहाँ से गैस कटर खरीदे, कहाँ से, कैसे किया? ये सब तो रसड़ा से खरीदे। रसड़ा से खरीदे, सिर्फ एक ही बात है कि अब जाने अनजाने में जैसी भी गलती हुई है, गलती हुई है, हम मिलना चाहते हैं उससे। जो रसड़ा में रूम लिया था वो अपने रसड़ा में नहीं, नगरा में लिया था, वो अपने नाम से लिया था कि जिस लड़की को फंसाना चाहते उसके नाम से लिया था? नहीं, वो तो मेरे नाम से, अपने नाम से। तो रेल पटरी काटने का क्या मामला? शॉर्ट में, कल थाना क्षेत्र हलधरपुर में ट्रेन ट्रैक पे एक पटरी को लगभग 1.5 से 2 इंच काटा गया था। उस घटना का 24 घंटे के अंदर अनावरण करते हुए मुख्य अभियुक्त चंदन कुमार, जो मल्लभ हरसेनपुर थाना नगरा जनपद बलिया का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया गया है। इससे पूछताछ में पता चला है कि इसका, जिस लड़की से प्रेम करता था, वो लड़की किसी और लड़के के साथ 24 दिसंबर से गायब है, उसके साथ चली गई है। और उसी लड़के के नाम से वहां पे इसने ट्रैक को काट के एक चिट्ठी प्लांट की थी। 3 पन्नों की वो चिट्ठी थी, जिसमें अलग अलग तरह की मांगे की गई थी। और इसका पूरा मकसद ये था कि जिस लड़के के साथ वो लड़की गई है, उस लड़के को फंसाया जाए, किसी भी तरीके से उसको जेल के पीछे भेज दिया जाए, ताकि इसका अपना रास्ता क्लियर हो जाए। और यूट्यूब को देख के और इंटरनेट पे सर्च करके इसने ये सर्च किया कि किस तरीके से गैस कटर यूज किया जाता है, प्लस पटरी किस तरीके से काटी जाती है, उससे क्या नुकसान हो सकता है। और इसका पूरा मकसद ये था कि किसी भी तरीके से कोई ऐसा बड़ा ये अटेंशन सीकिंग काम करे, जिससे पुलिस का सारा ध्यान उस लड़के पे चला जाए, अंशु गौड़ पे, और पुलिस उसको गिरफ्तार करे और उसको जेल भेज दे।
सर, क्या इसमें ये अकेला है या इतना बड़ा कार्य करने में और भी इसके साथ कोई लोग? नहीं, ये इसमें अकेला शामिल है, लेकिन हमारे द्वारा जिस व्यक्ति से इसने गैस कटर और ये इन्हें सामान खरीदा था उसको भी 120 बी का मुलजिम बना के जेल भेजा जा रहा है, उससे अभी पूछताछ जारी है। इसका कारण ये है कि जब आप, ये एक लेसन भी है लोगों के लिए कि अगर गैस कटर वाले लोग हैं और आप गैस सप्लाई करते हैं तो आपको प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए कि आप सिलेंडर किसको दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे हैं, किस तरह का सिलेंडर किसको दे रहे हैं। ये बात प्रकाश में आई है कि एक तारीख को इसने सारी चीजें खरीद के और ये सारी घटना की, और सारी चीजें जैसा आप देख सकते हैं, सारा जितना सामान खरीदा गया वो सब नया सामान इसने खरीदा है। घटना बहुत अच्छे तरीके से इसने लगभग 7-8 दिन तक प्लान किया, 2 दिन मौके पे जाके रेकी किया और उसके बाद ये घटना कारित की है। इस खुलासे के लिए पूरी टीम को 5,000 रुपए का इनाम मेरे द्वारा। ये जो पट्टी काटी गई इससे तो कई लोगों को जान जा सकती थी, रेल को भी दुर्घटना हो सकता था जी। ये इसको पूरी जानकारी थी कि दुर्घटना हो सकती थी, और जो 2 पब्लिक के लोग थे जिनके द्वारा सूचना दी गई रेलवे को कि पटरी काटी गई है और ट्रेन को रोकने में मदद की गई, उनके द्वारा सराहनीय कार्य किया गया, उन दोनों को जनपद पुलिस के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। प्रशस्ति पत्र मेरी